हाय फ्रेंड्स, मणिमेकर में आपको बड़े दिल से स्वागत है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यूएस जी बिजनेस की तरफ से यह न्यूज़ है, यूएस स्टॉक मार्केट हाईलाइट का डो जोन्स जंप किया है 300 पॉइंट और यूएस जितने भी टेक स्टॉक है हेवीली जंप किया है, हेवीली मोमेंटम देखने को मिला। नासडक क्रॉस किया है 11,900 का रेंज का और इन्वेस्टर चीयर कर रहा है, मतलब इन्वेस्टर जॉय, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा आपका जो यूएस में जो टेक्निकल और आपका प्रॉब्लम चल रहा था, टेक्निकल स्टॉक में हेवीली जंप हुआ है और नासडक भी 11,900 को क्रॉस किया है। सबसे बड़ी बात है कि वॉल स्ट्रीट के जितने भी डो जोन्स का आपका देख सकते हो कि ग्रीन, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंपनी में ग्रीन और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट सेशन शुरू किया है वॉल स्ट्रीट का देख सकते हो आप। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप हम लोगों का क्या होगा, इंडियन इन्वेस्टर का, इंडियन इन्वेस्टर का भी आपका नेक्स्ट ट्रेडिंग से मतलब 31st को जो ओपनिंग होगा वो ओपनिंग ही होगा आपका 17,100 के आसपास के, उसके ऊपर में आपका ओपनिंग होगा और टूटने का पॉसिबिलिटी कम है। फिर भी एक फियर फैक्टर काम करेगा क्योंकि आपका 6 अप्रैल को फिर से इंडियन RBI का जो 25 पॉइंट को मॉनिटर करके मॉनिटरी पॉलिसी में चेंजेस होने वाला है 6 अप्रैल को, तो वो फियर फैक्टर भी काम करेगा। लेकिन उतना बड़ा जंप नहीं देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में, फिर भी आपका 17,000 से लेके 16,900 के रेंज में जाना थोड़ा कम पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिर भी आपका RBI की तरफ से अगर न्यूज़ बहुत ज़्यादा आपका डरावना ना आ जाए तो उस हिसाब से आपका 17,000 से लेके 17,200 के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन 31st मार्च को। और अगर वीडियो नॉलेज से अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना मनी मेकर को। थैंक्स।